किसानों की आय दोगुनी करने का ग्रामीण सपनों को ग्रैंड थ्रॉटल किसान निर्माता संगठनों के माध्यम से कर रही है विकासशील। जब किसान धरती की गोद चीरता है तब उससे अनाज मिलता है, पर इस बात की परवाह किसी को नहीं कि क्या उसे इस अनाज में हिस्सा मिलता है। किसान के सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं, जैसे खराब मौसम, खराब गुणवत्ता वाले बीज, बंजर जमीन या उत्पादन की कमी। भारत के किसान इन मुश्किलों का सामना कई सदियों से कर रहे हैं, खासकर जो छोटे दर्जे के किसान हैं। जिस खाद और बीज को लेने के लिए किसानों को पहले महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे और महंगे दामों में खरीदने पड़ते थे, वहीं आज खाद और बीज किसानों को घर बैठे आसानी से मिल रहा है। अब ना ही किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ेगा और ना ही खरीदने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। अब किसान है बहुत खुश। ये सब संभव हुआ है केंद्र और राज्य सरकार और ग्रैंड थ्रॉटल कंपनी की मदद से, किसानों की खुद की बनाई गई कृषक उत्पादक कंपनियों से। ग्रैंड थ्रॉटल महाराष्ट्र, राजस्थान और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसर्टियम यानी SFAC एग्रीकल्चरल कम्पेटिटिवनेस प्रोजेक्ट के लिए एग्री बिजनेस प्रमोशन फैसिलिटी के सलाहकार के तौर पर काम कर रही है। महाराष्ट्र और राजस्थान में ये परियोजना विश्व बैंक की सहायता से हो रही है, जिससे प्रदेश में खेतीबाड़ी को प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके। ग्रैंड थ्रॉटल महाराष्ट्र, राजस्थान और SFAC स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देश के कई प्रमुख राज्यों में भी काम कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब शामिल हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने और खासकर कृषि के क्षेत्र में FPO को बढ़ाने का जो सपना देखा है, ग्रैंड थ्रॉटल उसी को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इस काम में बड़ी बड़ी फर्मों और किसानों के बीच सीधे संबंध को शामिल किया गया है। ये परियोजना दुनिया की शायद सबसे बड़ी विकास परियोजना का हिस्सा है, इसलिए 400 से ज्यादा फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज को, जिनमें 2 लाख से ज्यादा किसान शामिल हैं, व्यापार की सोच समझकर बनाई गई योजना से निर्देशित किया गया है और पिछले कुछ सालों में कृषि में 700 से ज्यादा व्यक्तिगत उद्योगों की शुरुआत कराई गई है। ये सब करने के लिए ABFE महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एवं देश के अन्य प्रांतों में FCSC और कृषि उद्योग से जुड़े लोगों की मदद के लिए विक्रेता और क्रेता की मुलाकात कराना, ऊष्मायन की सुविधा उपलब्ध कराना, क्रेडिट लिंकेज और मार्केट लिंकेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ग्रैंड थ्रॉटल अपने 50 विशेषज्ञों वाले दल के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एवं देश के अन्य राज्यों के प्रदेशों में काम कर रही है और ये काम विकासशील देशों में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। जो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी शुरुआत करने को तैयार हैं, उनके लिए GT के पास ऊष्मायान की योजना है। GT का ऊष्मायान मॉडल यानी बिजनेस मॉडल 3 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कमियां ढूंढने के बाद व्यापार की योजना बनाई जाती है, जिससे वित्तीय और विपणन की समझ आए और जो जरूरी कमियां हैं उन्हें पूरा किया जा सके। GT जो व्यापार का मॉडल विकसित करती है वो ग्लोबल पार्टनर स्कोप इनसाइट द्वारा बताए गए 9 निर्धारण बिंदुओं के आधार पर होता है। अंदरूनी प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला, योग्य बनाने वाले, संभालने की क्षमता, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रदर्शन, बाजार, बाहरी खतरे व संचालन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक महत्वाकांक्षी उद्देश्य है और इसके लिए सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए GT ने 11 सूत्रीय रणनीति को तैयार किया है, जिसमें शामिल हैं निवेश करने के लिए दुकान, बीजों का उत्पाद, सामान्य सुविधा केंद्र जहां सफाई, श्रेणी विभाजन और पैकेजिंग का शुरुआती काम कर रहे हैं, FPC NCDEX का चुनाव कर रहे हैं, ये वादा बाजार पैसों के खतरे को कम कर रहा है, FPC शुल्क पर नौकरी देने की सुविधा दे रहा है, ABPF की मदद से अपने MGT को BOD प्रशिक्षण दे रहे हैं यानी उद्योग करने के लिए MGT, बड़े उत्पादकर्ताओं और फुटकर विक्रेताओं से बाजार संबंध हैं जैसे कोकोकोला, पेप्सी, CP Seed, कई FPC बाजार में रचनात्मकता के लिए नजर रखने की जरूरी व्यवस्थाएं अपना रहे हैं, खाद्य गुणवत्ता मानक और MGT, कार्यशील पूंजी, साथ काम करने के लिए 1 करोड़ तक की कार्यशील पूंजी माइक्रो फाइनेंस के तौर पर, MSME अपने सदस्य के माल को सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देती है, सहकारिता से फार्मा प्रोड्यूसर कंपनियों को क्षमता बढ़ाने और पूंजीगत लाभ का मौका मिलता है। फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम है।
It was delightful to learn about the pioneering work Grant Thornton has been doing, working with farmer producer organizations across India, and some of the capacity building tools that the firm has developed. Tools that are truly pioneering and were previously roadblocks towards the growth and operationalizing some of these FPOs. Tools like input facilitation instruments, tools like tools that would help facilitate working capital for these FPOs, tools that can help them leverage each other's capabilities and economies of scale, like common facilities, and of course, you know, training and development for boards of directors of the FPOs. These tools have helped us work with more than 400 FPOs across Rajasthan and Maharashtra. Absolutely delighted how we've been able to support the growth of farmers and the growth of our Prime Minister's vision of doubling farmer income. FPO छोटे स्तर के किसानों के लिए उम्मीद की किरण है। इस उम्मीद ने दुखी किसानों को जिंदगी में आशावादी नजरिया अपनाने योग्य बनाया है, जिससे वो मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। FPO अपने सदस्यों को सिर्फ वित्तीय और अवित्तीय सहायता ही नहीं देती, बल्कि उनको संगठित ढंग से खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इसके अलावा वो उन्हें अपनी फसल के लिए बेहतर सौदा करने योग्य बनाती है और सौदे की प्रक्रिया को आसान बनाने का काम करती है। FPO के सदस्य उत्पादन में आए व्यय की तुलना में ज्यादा फायदा कमा पाते हैं और इस प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का बड़ा हाथ है। FPO के गठन के समय किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये संगठन इतनी कामयाबी हासिल करके इस मुकाम पर पहुंच सकेगी, पर जैसा कहा जाता है, जहां चाह होती है वहीं राह होती है। हालांकि इस संगठन को इतना कामयाब बनाना बच्चों का खेल नहीं था, इसलिए MACP ने ये जिम्मेदारी GT को सौंपी। GT को इस बात का अंदाजा था कि छोटी सी गलती भी किसानों के हित को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए GT ने प्रदेश सरकार, नागरिकों और नागरिक समाज संगठनों की मदद से सोच समझकर लक्ष्य निर्धारित किए और योजनाएं बनाई और इन योजनाओं को बेहतरीन ढंग से लागू किया। योजना लागू करने के लिए GT ने अपने विशेषज्ञों के समर्पित दल को अपना संदेश किसानों तक पहुंचाने के काम में लगा दिया। किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए सभाएं और वर्कशॉप आयोजित की गईं। जागरूकता फैलाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए GT ने हर संभव प्रयास किया। GT और उसके साथियों की सभी कोशिशें न सिर्फ रंग लाई, बल्कि उनसे किसानों का संगठन पर यकीन भी मजबूत हुआ। अभी तक महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और अन्य प्रांतों में 1000 से ऊपर फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों को पंजीकृत कराकर मध्यस्थता करवाई जा चुकी है। ये FPO 5.5 लाख से ज्यादा किसानों को साथ ला चुकी है और महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड को मिलाकर करीब 1000 FPOs के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने संगठन की सदस्यता स्वीकारी और सामूहिक कृषि के लिए ज्यादा मुनाफा कमाया। सदस्यता लेने के बाद किसी भी किसान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो सशक्त हैं और एकता की अहमियत समझते हैं। किसान अब अपनी फसल से सिर्फ बेहतर कमाई नहीं कर रहे, बल्कि ज्यादा पैसे भी जोड़ पा रहे हैं। FPO और उसके सदस्यों की कामयाबी की कहानी यहीं तक नहीं, उनका उत्पादन भी कई गुना बढ़ा है। FPOs ने आर्थिक, तकनीकी और सामग्री की सहायता के साथ साथ FPO उत्पादों के लिए खरीद का भी मॉडल तैयार किया है। दो प्रदेशों यानी महाराष्ट्र और राजस्थान में 244 करोड़ की मक्का बाली खरीदी गई, जिससे 20,000 किसानों को अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सका। ग्रैंड थ्रॉटन इंडिया को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन बाय रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के लिए NCDEX कृषि प्रगति अवार्ड 2017 से नवाजा गया, जो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान और केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिया गया। GT में FVO का मैनुअल तैयार है, जिसके लिए NRAA के CEO और कमीशन फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम के स्पेशल सेक्रेटरी अशोक डलवाई जी ने अपनी शुभकामनाएं दी और भारत सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण काम के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। अब तो सरकार का ये विचार है कि किसानों को उनका जो प्रोड्यूस है उस पर कैसे अच्छा और ठीक मूल्य प्रदान करे। ये देखा गया है कि आजकल भारत में प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना हो रहा है, मगर किसानों को जितना मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए अब हम पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर ज्यादातर जोर दे रहे हैं। ये पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो है
फार्म गेट से शुरू करके जब तक वो उपज कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये हमारे किसानों को ठीक मूल्य नहीं मिल सकता है। इसलिए पहले एग्री लॉजिस्टिक्स, उसके बाद मार्केटिंग एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एफिशिएंसी, इस पर हमारा लक्ष्य रहेगा। तो अब हम चार पांच एक रिफॉर्म्स ले आ रहे हैं। पहला रिफॉर्म ये है कि हमारा जो एग्री लॉजिस्टिक्स है, कोल्ड स्टोर हो या ड्राई स्टोर हो या कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन या ड्राई ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम वैल्यू चेन के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। तो इसलिए भारत देश में हम एक नेशनल एग्री वैल्यू सिस्टम प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट तक और ब्लॉक तक काम करके हर प्रोड्यूसर को ये वैल्यू चेन और सप्लाई चेन का एक अंग बना देगा। इससे ये फायदा होगा कि ये जो प्रमोटर्स वैल्यू चेन को प्रमोट करेंगे, उन्होंने ही खुद मार्केटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उसके साथ एग्री लॉजिस्टिक्स या स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने बताया, इसका भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियुक्त कमीशन फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम के सेक्रेटरी श्री अशोक दलवाई जी और केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी और भारत के 30 राज्यों के कृषि मंत्रियों की उपस्थिति में विज्ञान भवन में ग्रैंड थ्रॉटन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री वी पद्मानंद जी, ग्रैंड थ्रॉटन के पार्टनर श्री कुणाल सूद जी और महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल कम्पेटिटिवनेस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री सुशील खोडवेकर के द्वारा लिखी गई किताब एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट फॉर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का इंग्लिश वर्जन का उद्घाटन किया। इस बुक को काफी सीनियर एडिशनल सेक्रेटरीज जैसे कि डॉक्टर क्रिस्टी फर्नांडिस जी, फॉर्मर सेक्रेटरी टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर एनएस कलसी जी, एसीएस पंजाब और पीएच कुरेन जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ केरला, सुमंत चौधरी जी, विजय कुमार जी, पीएच कुरेन जी, डॉक्टर जे मलाई विनाचार्ची जी, एस एच चिरू, टीएल सत्यप्रकाश, श्री दुष्मंत कुमार बेहरा जी, चिरंजीवी चौधरी जी ने काफी सराहना की है। जीटी के टीम मेंबर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई डबल फार्मर्स इनकम की कॉन्फ्रेंस में अपने विचार भी दिए। कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था, एफवीओ उसकी ओर बढ़ाया गया सकारात्मक कदम है। साथियों, कृषि एक ऐसा विषय है जिसने हजारों वर्षों पहले से हमारी सभ्यता को गढ़ा है, उसे बचाया है, उसे सशक्त किया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कृषि धन्या कृषि मेथ्या जंतुनाम जीवनम कृषि, यानी कृषि संपत्ति और मेघा प्रदान करती है और कृषि ही मानव जीवन का आधार है। इसलिए जो विषय इतना पुराना है, जिस विषय पर भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धतियों ने पूरे विश्व को दिशा दिखाई है, खेती की तमाम तकनीकों से उसका परिचय करवाया है, उस विषय पर जब हम बात करते हैं तो इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों का ध्यान रखना आवश्यक है। जीटी का मकसद देश के हर गांव में समूह बनाना और एफवीओ की स्थापना करना है, उनको कंपनियों के तौर पर पंजीकृत कराकर सही लागत की जानकारी देना। फसल का उचित और वर्धित मूल्य मिलने से न सिर्फ किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि ये ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। देश को अब बेहतर कृषि प्रबंधों की उम्मीद है और लगातार मिलती स्वीकृति और सकारात्मक नतीजों ने एफपीओज को और मजबूती दी है। एबीपीएफ जीटी का दल फार्मा कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए समीक्षा और व्यापार से जुड़ी योजनाओं के निर्देशन के अलावा अब समन्थी के द्वारा करीब 15 लाख की पूंजी उपलब्ध कराने की भी सुविधा मुहैया करा रहा है। मक्का, हरा चना, गेहूं और ज्वार खरीदे जाएंगे जो पैसे देने पर सदस्य किसानों को बेचा जाएगा। 15 लाख का ऋण भले ही ये 21% प्रतिवर्ष के ब्याज पर उपलब्ध हो, एफपीओ और सदस्य किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाएगा। अब किसानों को खाद और बीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, साथ ही किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम भी मिलेगा। वर्तमान में ग्रैंड थ्रॉटन कंपनी की सभी चालू कार्यक्रमों एवं प्रयासों का एकमात्र लक्ष्य है किसान भाइयों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करना, और इसके लिए समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो भी कदम उठाना है ग्रैंड थ्रॉटन उसके लिए कृत संकल्प है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ग्रैंड थ्रॉटन कंपनी को
पूरा पूरा विश्वास है कि आजाद भारत में खुशहाल किसान के लक्ष्य को पाया जा सकता है और जीटी की उम्मीद है कि महाराष्ट्र और राजस्थान में इस परियोजना को मॉडल की तरह उपयोग किया जाएगा। एग्री बिजनेस प्रमोशन फैसिलिटी ग्रैंड थॉर्नटन ने पिछले 3 साल से महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब में लगभग 400 किसान उत्पादक कंपनी और 1000 नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट का शुरुआत करके उनका मजबूत किए हैं। इन उत्पादक कंपनियों में लगभग 2 लाख किसान हैं, जिनमें से हजारों किसानों की आमदनी दुगनी हुई है। हमारे इस काम को सारे भागीदार सबसे बेहतरीन परियोजना मानते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि हम लोग 3 स्टेट्स में काम कर रहे हैं रिगार्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बने हैं उनको हर स्टेट ने ग्रांटी नेड का सपोर्ट दिया, और इस ग्रांटी नेड के लिए हर एफपीसी के बिजनेस प्लान्स बनाए गए, जिसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट पूल है जो ये बिजनेस प्लान बनाता है। अगर आप देखेंगे तो अराउंड 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है इन एफपीसीज में और लगभग 54 करोड़ का ग्रांटी नेड का असिस्टेंस मिला हुआ है। सो जैसा कि सर ने बताया, हम लगभग 3 राज्यों में एबीपीएफ की सेवा लगभग 400 से अधिक एफपीओस को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके हेतु हम एफपीओस को इनक्यूबेशन सर्विस के माध्यम से उन्हें मार्केट लिंकेजेस, क्रेडिट लिंकेजेस, लीगल कंप्लायंसेस, कस्टम हायरिंग, इनपुट फैसिलिटेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग के माध्यम से इनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। इन 400 एफपीओस के लिए हमने एक एफपीओ रेटिंग मॉडल बनाया है, जिससे इन एफपीओ की वर्तमान स्थिति की जानकारी मिलेगी। हमने एबीबी प्रोग्राम के अंतर्गत 50 किस्म के 1000 से 1200 तक के कृषि एवं संबंधित उद्योग स्थापित किए हैं, जिनकी निवेश पूंजी 10 लाख से 1 करोड़ तक है। हमने एफपीओ गठन के क्षेत्र में क्रांतिकारी नवाचार किया है, जिसके तहत मात्र 6 महीने में एक सुदृढ़ एफपीओ की गठन किया जा सकता है। आमतौर पर यह कार्य करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, जिससे कि काफी समय लगता है और पूंजी की लागत भी होती है। इससे काफी पूंजी हम लोग बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट की तरफ से भारत के 17 जिलों में 800 करोड़ रुपए के उपयोग की योजना बनाई है, जिसके हिसाब से ही कृषि विभाग, उद्यानी विभाग, पशुपालन विभाग और हम लोग जो कृषि व्यापार विभाग में है वो काम कर रहे हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने बताया, हमने संपूर्ण भारत में विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधित मूल्य श्रृंखला यानी कि वैल्यू चेन का विस्तृत अध्ययन किया है, जिसके द्वारा निकल के आई हुई तरह तरह की कमियां, जिसमें कि मार्केट, क्रेडिट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो परेशानियां हैं किसानों की, उनको हमने साथ में लाया है और उससे संबंधित हमने एफपीसी का मॉडल तैयार किया है, जिसके बारे में ऑलरेडी सर ने बताया, जो ऑलरेडी 3 राज्यों में चालू है और काफी अच्छे उससे बेहतरीन रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। भारत में हम पहली बार कृषि उत्पादक कंपनियों का एक फेडरेशन खड़ा कर रहे हैं। इसमें हर एक फेडरेशन कम्युनिटी वाइज स्पेसिफिक रहेगा। आगे जाके इसमें जो क्लस्टर बनेंगे, क्लस्टर के लिए उसका हेल्प हो जाएगा। हाल ही में हमने सीपीसीड के साथ साईप्रवारा जैसे 22 कंपनियों का मिलाकर एक फेडरेशन खड़ा किया है, वो मक्का में काम करेगी। Over the last 3 years, the Ministry of Food Processing Industries has been taking a number of steps to unlock the potential in the food processing sector, right from ensuring operationalization of our 42 mega food parks, or be it our cold chains, or coming up with the new Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana with a budget allocation of 6,000 crores, which has to set up infrastructure over the next 2.5-3 years. The government has been constantly ensuring that while we work towards the creation of infrastructure for food processing, we also create an environment for the sector to flourish by bringing in the relevant policies. Grant Thornton has worked closely with our ministry in the Mega Food Park scheme, in the cold chain scheme, and now they're actively involved in the Kisan Sampada Yojana as well. They have been working as management agencies with us and have been doing good work, and have been an asset to the ministry in ensuring the grounding of these projects. I wish them all the best, and I hope we continue working together to ensure that food processing sector may flourish. And we in the National Institution for Transforming India, the Niti Aayog, have had a very, very positive, a very constructive, and to my mind, a very far-reaching partnership
with Grant Thornton, and we've greatly benefited from this very unique relationship. Niti Aayog is spearheading an initiative to introduce measurable outcome and impact as indicators for all schemes and programs of all ministries, departments of Government of India. Our objective has been to bring in improved accountability for all the agencies involved. Outcome-based monitoring and evaluation, to our mind, is the key to enable India to grow at rapid pace. And the scope has been really immense. It covers over 850 schemes and programs of almost 80 departments and ministries of the government. If you look at the total annual outlay, which this exercise with Grant Thornton has covered, it's over about 10 lakh crores. I mean, that is the humongous size of this exercise. And for this purpose, Niti Aayog's monitoring and evaluation team has been working with Grant Thornton, which has helped us to devise a methodology and a toolkit that would enable this transformation. GT has introduced this toolkit and methodology as a results management system based on the global best practices and really good governance. I wanted to acknowledge the efforts of Grant Thornton through their very sleek team headed by Kunal. Main consultant was Padmanand, Karan, Tushar, Sachin. They were a great team. Today, because of these interventions, Haryana government has its own mini cluster approach and there's a different program. In next 5 years, almost 750 crore rupees is planned so that individual clusters in various district headquarters can be supported.